नमस्कार, हरबोलन मिलेट्स पॉइंट की ओर से आप डॉक्टर एके प्रसाद यानी अनिल पतंग का नमस्कार। बंधुओं, स्टॉप टीवी स्टूडियो के माध्यम से हम आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरण का संदेश देते रहते हैं और तरह तरह के रोगों का इलाज हम आहार पद्धति से करते हैं। हमारा अपना आवास या क्लिनिक कहिए, बेगूसराय रेलवे स्टेशन के पश्चिम केबिन के पास है। आप वहां आए तो मैं आपको बिना दवा के ही आपको विभिन्न रोगों से मुक्ति दिलाने की चेष्टा करूंगा, लेकिन आपका सहयोग तो चाहिए। खाली मेरे करने से तो होगा नहीं, आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। आपको हम एक ऐसे रोग के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप बहुत पीड़ित भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं। वह रोग है थायराइड। और पारंपरिक तरीके से चिकित्सा मैं जो कर रहा हूँ, ये कोई चिकित्सा की पद्धति नहीं है, भारतीय पद्धति है। आहार पद्धति से चिकित्सा करने की परंपरा अपने आ रही है। और आप तो जानते हैं कि खान पान की गड़बड़ी से ही विभिन्न तरह के रोग होते हैं, तो जिस कारण ही हम हटा दें तो फिर वो रोग तो अपने आप हट जाएगा ना। तो जिस कारण से रोग होता वो कारण ही मैं दूर कर दूं। तो आइए थायराइड के बारे में मैं आपको बताऊं कि थायराइड पहले होता क्या। थायराइड हमारे कंठ के अंदर, गर्दन के अंदर ये स्थित एंडोक्राइन ग्रंथि होती है, जिसको नलिकाहीन ग्रंथि भी हिंदी में कहते हैं, जो हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक मैंने होता है। यह दो प्रकार का होता है, यह भी आप जानते हैं, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। हाइपरथायराइड जो होता है उसमें अधिक मात्रा में हार्मोन्स बनता है, और हाइपोथायराइड जो होता है उसमें कम मात्रा में हार्मोन बनता है। और ये देखिए, हाइपरथायराइड जो होता है उसमें जो होता है वो वजन कम होता है आदमी का वजन घटने लगता है, और हाइपोथायराइड में वजन बढ़ने लगता है। यही इसके जांच। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें T3 और T4 थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स होता है, जो हमारे पाचन तंत्र, ये हार्ट, सांस और बॉडी पर भी अपना प्रभाव डालता, टेम्परेचर पर भी। ये अधिक हड्डियों, मांसपेशियों, लैंगिक और मानसिक रूप और कोलेस्ट्रॉल को भी यह नियंत्रित करता। अब इसके लक्षण पर हम ध्यान दें कि हाइपरथायराइड में होता क्या है, जिसमें आपका वजन घटने लगता है, होता है कि चिड़चिड़ापन, ज्यादा पसीना आना, घबराहट, दिल का धड़कना जो बढ़ जाता, अनिद्रा, रात में नींद नहीं आती है, वजन का कम होना तो होता ही होता है। और देखिए ये होता है मांसपेशियों का दर्द, और देखिए भूख ज्यादा लगता है। हाइपोथायराइड में होता है कि डिप्रेशन, थकान और का बढ़ना, धड़कन गति धीमा हो जाना, आंखों और चेहरे पर सूजन आना, कब्ज होना, और देखिए ये पसीना कम आना, ये बालों का झड़ना, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का आकड़न, और ये कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना ब्लड में। और ये देखिए ये क्या होता है कि अनियमित पीरियड हो जाता है महिलाओं में, तो याददाश्त की कमी भी हो जाती है। तो अब देखिए इसकी जांच हम लोग करते हैं एलोपैथिक पद्धति में, T3, T4 और TSH का। T4 का नॉर्मल रेंज होता है 100 टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और T4 का होता है 5 से 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और देखिए TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, यह उम्र के हिसाब से इसका आगे पीछे हो जाता। अब मान लीजिए कि 29 वर्ष की अगर कोई महिला हो तो उसका कितना TSH होगा, 4.2 मिली यूनिट पर लीटर, MU पर लीटर, मिली यूनिट पर लीटर। और अगर 88 वर्ष का पुरुष हो तो उसको 89 मिली यूनिट पर लीटर। अगर TSH बढ़ रहा है
तो आप समझ लीजिए कि हार्मोन्स कम बन रहा, तो ये TSH बढ़ रहा है तो हाइपरथायरॉइड हो जाएगा। तो अब इस तरह से देखते हैं, तो अब आप देखिए कि आहार आहार के लिए पद्धति से इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, आप आहार देखिए, एक तो एक्यूप्रेशर में ये पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट, ये जो अंगूठा के नीचे का जो उड़ा हुआ भाग है, इसको इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दबाइए, इसको भी दबाइए, पैर में भी ऐसे ले लीजिए, उसको भी ये जो है इसको दबाइए, इधर वाले को भी ऐसे दबाइए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इससे भी आपका वो ठीक ठाक होगा। अब देखिए दूसरा बात क्या है कि आप इसमें लीजिए लौकी का रस, वो क्या कहते हैं पेठा का रस, हरा धनिया, आयोडीन युक्त आहार, नारियल पानी, हल्दी, तुलसी, फल और सब्जी की मात्रा बढ़ा दीजिए अपने भोजन में, और जो कम फैट वाला भोजन लीजिए, कम फैट जिसमें दही भी आप खा ले सकते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी जिसमें हो युक्त आहार लीजिए, और अब फिर आप आ जाइए इसमें क्या कहते हैं मिलेट्स में, तो कुटकी 3 दिन लीजिए आप, इसका जो भी बना के लीजिए, अमली बना के लीजिए, चावल बना के, भात बना के खाइए, या जैसे भी खाइए। देखिए आप कुटकी, कंगनी, कोदो, सामा, हरी कंगनी, ये सब एक एक दिन लीजिए, नोट किया ना, नोट नहीं कीजिए फिर बजा के देख लीजिए उसमें क्या बात दिक्कत। अब देखिए उसमें काढ़ा लीजिए मोरिंगा, सोहजन जिसको अपने यहाँ कहते हैं, इमली पान के पत्ते का काढ़ा पीजिए, तो आपका जो है ये थायराइड आपका नॉर्मल हो जाएगा और आप चंगा हो जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके टेस्ट भी महंगे ही होते हैं और हम लोग कराने के लिए मजबूर है तो करते ही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार वालों के लिए शेयर करें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और इसका इस्तेमाल करें, और अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में भी इसका अपनी राय दें, लिखें कि आपको कैसा लगा, क्या लाभ हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार।